कसीदा लगाए बड़े आगे को एक बिकट बनी में आजुरे के राजा पहुंची तो गाय को देख करके राजा बड़े व्याकुल हो गए क्योंकि एक गाय और उसके पीछे का बैल और उन दोनों को एक सूत्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई है कि कोई ऐसा वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित धनुष पे बाण चढ़ा करके बोले हैं किन धड़क हो निरवे ओ कपिले और सेवक सेवा में आज रहे संभाल लूंगा। बाई समय पे बंधुओं मारने के लिए तैयार हुए तो सोनकाद ऋषि बोले ये बताइए
ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और जो दोनों को मार रहा था वो कौन था? तो कहा कि ये गाय जो है ये पृथ्वी मैया है, और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, तो पूछा कि इसके तीन पैर कहाँ हैं? तो कहा है कि महाराज जब सतयुग था तब चार थे, जब त्रेता युग आया तब तीन बचे, जब द्वापर आया तब दो बचे, अब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ एक पैर बचा है। इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग बोले हाँ महाराज। मारने के लिए परीक्षित खड़े हुए। कलयुग कहने लगा महाराज एक बात बताओ, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, सबने अपना अपना राज्य किया, अब मेरी बारी है तो मैं भी करूंगा। परीक्षित बोले ऐसे नहीं। फिर बोले मैं तुझे स्थान देता हूं, कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो वहां तू निवास कर, और जा। एक और स्थान दिया, कौन सा? जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते सौ गुनी, मादिकता अधिकाय, बा खाए बोरात और बा पाए बोराय। आदमी धतूरा खा ले तब भी पागल हो जाएगा, और कहूं सोना मिल जाए ना तो बहुत पागल हो जाए। लेकिन ऐसे सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। कलयुग बोला ना जिया दूर न पड़ोसी के नाग दूर। जो परीक्षित सिर पे मुकुट बांधे हुए थे वो उनके बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। उसी मुकुट में वो कलयुग सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया, और जब प्रवेश कर गया है इन्हें लगी प्यास, और जब प्यास लगी है तो थोड़ी दूरी पर लोमस ऋषि की कुटिया थी, उस कुटिया पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे हैं। लोमस ऋषि भगवान के भजन में बैठे, अरे खोलो बाबा नेत्र दास तेरो आई।